आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संविदा कर्मचारी संघ पूर्वांचल कार्यकारी के बैनर तले विद्युत मीटर रीडर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, ज्ञापन सौंप अनुबंधित कंपनी पर संविदा मीटर रीडरों के शोषण का आरोप लगाया। बिजली विभाग में संविदा कर्मियों के मानदेय का मामला चल ही रहा था कि मीटर रीडर भी अब अपने खिलाफ शोषण के आरोप लगाते हुए उठ खड़े हुए हैं। उनका आरोप है कि अक्टूबर माह से बेंगलुरु की जिस ठेका कंपनी ने उनको अनुबंधित किया है वह कुछ दिनों से ही अब उत्पीड़न करने लगी है। जो शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर बाहर करने की धमकी दी जा रही है या निकाल दिया जा रहा है। पूर्वांचल उपाध्यक्ष आशीष कुमार पांडे ने कहा कि बिलिंग एजेंसी क्यूस कंपनी द्वारा ये बताया गया कि 1500 मीटर की बिलिंग करने पर मीटर रीडरों को 12000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। पीएफ काटने के बाद 9818 रुपये देने की बात कही। इस माह 1500 बिलिंग का कार्य करने वाले मीटर रीडरों को मात्र 3800 रुपये पेमेंट दिया गया। इस स्थिति में मीटर रीडर कैसे कार्य कर पाएंगे? कंपनी के द्वारा डीडी के नाम पर पहले ही रीडरों से 10000 रुपए ले लिया गया है, कुछ लोगों से 15000 लिया गया है। मीटर रीडरों को पेमेंट हर माह की 10 तारीख तक दिया जाना चाहिए और कंपनी के द्वारा अभी तक मोबाइल नहीं दिया गया है। मीटर रीडरों की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर 26 जनवरी 2022 में कार्य पीड़ित कर्मी बहिष्कार करने पर बाध्य होंगे। अपना परिचय दें। आशीष कुमार पांडे, पूर्वांचल उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन से हूँ। क्या मामला है कि आप काफ़ी दिनों से लोग आंदोलनरत हैं? देखिए, हमारा मामला मीटर रीडर विभाग का मामला है। यहाँ पे काम आवश्यकता से अधिक लिया जाता है, नियम कानून बता के जो हमारा अनुबंध हुआ है पैसा, वो पैसा हमको नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत उपाध्याय के द्वारा लोगों को अलग मीटिंग बुलाकर उसमें धमकी दी गई, जगह जगह बातें होती हैं, उसमें पैसा देने के लिए कहा जाता है कि यह हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कोई लिखित देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए अब लोगों को विभाग से हटाने की लोग तैयारी में है। तो हम कल डीएम साहब से बात किए थे कि सर हम आपसे मिलना भी चाहते हैं, हमारा प्रदर्शन भी है। वो बोले ठीक है, आप आ जाइए, हम आपसे मिल लेंगे। वो अभी हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, लेकिन कंपनी अगर इस प्रकार का अधर्मिता की है तो हम यह पत्रक जो है उच्चतम न्यायालय को भी देने जा रहे हैं और माननीय श्री योगी जी से यह चाहेंगे कि इन ठेका के प्रथा मजदूरों का ध्यान रखते हुए, ये युवा हैं, इनकी बात को सुनिए, क्योंकि कोई ठेका प्रथा में नहीं कर पाएगा, उसका पेट नहीं चलने वाला। शासन आपका बहुत बढ़िया था, लेकिन अगर शासन आप अच्छे से नहीं चलाएंगे, निचले स्तर से आपको जानकारी नहीं हो पाएगी, तो लोग भूखों मर जाएंगे। 3500 में किसका परिवार चलने वाला है? अनुबंध होता है 12000 का, मिलता है 3500 रुपया। यही तो दशा है कंपनियों का। यह भी कंपनी ब्लैकलिस्टेड कंपनी है, जो बिहार से ब्लैकलिस्टेड होकर वहाँ आई। कम पैसे में आप अनुबंध किस बेस पर कर लिए? जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहाँ से दोगे? तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे किसी भी कर्मचारी को हटाया ना जाए। अगर हटाया जाता है तो पूरे पूर्वांचल लेवल पर मैं विद्युत व्यवस्था को ठप कराऊंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं अपने किसी भाई को बाहर होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।